तो मैं इनको मिल्क शेक पीना सभी को पसंद होता है, बच्चे हों या बड़े हों। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो मिल्क शेक बनाने का बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका। आप इस तरीके से अगर मैंगो मिल्क शेक बनाएंगे तो आप झटपट से बना देंगे और आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की हर जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए इस टेस्टी और हेल्दी सा मैंगो मिल्क शेक को बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो हमारा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम लेना है आम। तो यहाँ पे देखिए हमने आम पका हुआ 2 आम लिया है। तो आपको जितनी क्वांटिटी में आपको मैंगो मिल्क शेक बनाना है उसके हिसाब से आप आम की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैं 2 आम का बनाऊंगी। तो इसमें फ्रेंड्स अगर जितना आप दूध डालेंगे उसके हिसाब से 2 गिलास या 3 गिलास आप इसमें मैंगो मिल्क शेक बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने आम को काट करके इसका इस तरह से पल्प निकाल लिया है। अब इसको हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। आम का सीजन है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से मैंगो मिल्क शेक ज़रूर बनाएं, काफ़ी हेल्दी होता है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है चीनी। तो चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो। तो इसमें हमने 1 गिलास दूध डाल दिया है। 2 आम के साथ हमने 1 गिलास दूध का इस्तेमाल किया है। इसको ग्राइंड कर लिया है और ये लीजिए हमारा टेस्टी सा बन के मैंगो मिल्क शेक तैयार हो गया है। तो इसको गिलास में सर्व कर लेते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ऊपर से आप चाहें तो इस पर बारीक कटा हुआ मैंगो डाल दें इस तरह से गार्निशिंग के लिए, देखने में भी अच्छा लगेगा और पीने वालों को भी पीने में भी मज़ा आएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर घर पे बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से मैंगो शेक बनाइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।